हेलो दोस्तों, तो स्वागत है तुम्हारा मेरे ब्लॉग में। और तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कुछ नया। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ज़िंदगी में अभी तक कभी केले के पत्ते पर कभी खाना नहीं खाया, तो आज मैं डिनर करने जा रहा हूँ केले के पत्ते पर। तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है मेरा केले के पत्ते पर फूड खाने का, तो ट्राई करते हैं। तो ये आ चुका है हमारा केले का पत्ता, तो इस पर अब मेरी मम्मी जी सर्व करेगी मुझे खाना। तो मम्मी जी लगाना ज़रा खाना। तो ये आ चुका है लड्डू जो कि है बूंदी का, और अब इसमें आएंगे राइस। हमें नहीं पता इसमें क्या क्या खाया जाता, तो इसलिए हमने राइस ही बनवाए हैं। और ये देखिए फ्राइड राइस बनाए हैं एकदम बढ़िया। और मेरी मम्मी भी कंफ्यूज हो रही हैं कि खाना लगाएं तो लगाएं कैसे। लाइफ में फर्स्ट टाइम है गाइस कि मैं केले के पत्ते पर खाना खाऊंगा। और ये देखिए गरम गरम खाना हमने केले के पत्ते पर रख दिया है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है खाने के बाद। तो ये खाना लग चुका है। तो ये फ्राइड राइस है, तो इसमें और सब्जी वगैरह डालने की ज़रूरत है नहीं। तो चलो ट्राई करते हैं खा के। तो बैठता हूँ मैं खाने। सॉरी दोस्तों, अभी इसमें एक चीज़ रहती है जो कि मुझे पसंद है, घी डाल के खाना खाने में। तो मैं राइस में घी डालता हूँ। और तो अब मैं शुरू करता हूँ खाना खाना, तो आप लोग वेट करें या देखते रहें। तो ये मैं आ चुका हूँ खाना खाने। तो ट्राई करते हैं केले के पत्ते पे खाना खा के। वाह, मज़ा आ गया। तो मम्मी कैसे खाते हैं? हाथ से? लाइफ में फर्स्ट टाइम खाना खा रहा हूँ हाथ से। बताओ ना मम्मी कैसे खाते हैं? हाथ से खाते हैं। हाथ से खाते हैं, वेरी गुड। क्या बताया है, हिला दिया ना दोस्तों। आप लोग भी बताना मुझे। आए हाय गर्म है, तो मम्मी चल गया मेरा हाथ। थोड़ा पास से दिखाओ। यमी यमी यमी। मुझे नहीं पता केले के पत्ते का क्या मजा है, मगर अच्छा लग रहा है खाना। आप लोग भी ट्राई करना कभी। तो मैं फिनिश करने के बाद आपसे बात करता हूँ, तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो फाइनली मैंने फुल ख़त्म कर चुका हूँ अपना खाना, और आप देख सकते हैं ये देखिए थोड़ा सा लाइट से प्रॉब्लम हो सकती है, मगर हाँ हाथ से खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई, मगर अच्छा लगा खाना। मैंने फ़र्स्ट टाइम कुछ नया ट्राई कराया अपनी लाइफ में। इतने दिनों से मैं वही प्लेट्स में या फिर ऐसे ही खाता था, तो मैंने आपके साथ शेयर करा, मुझे अच्छा लगा। और आपको अच्छा लगे तो आप भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।